दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडियों में सब्जी महंगी मिलने से किचन का बजट बिगड़ रहा है। दिल्ली की मंडियों में बिक रही महंगी सब्जियों ने दिल्ली वासियों को परेशानी में डाल दिया है। मौसम की मार के बाद अब महंगाई की मार पड़ रही है। बारिश से कम हुई आवक ने सब्जियों के रेट बढ़ा दिए हैं। दिल्ली वालों पर महंगाई की इस मार को प्याज और दूसरी सब्जियों ने दोगुना कर दिया है। दिल्ली की मंडियों में बिक रही सब्जियों के दाम पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा प्याज रुला रहा है। सबसे बड़ा अंतर थोक और रिटेल में नजर आ रहा है। थोक में जिस रेट में सब्जियां बिक रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा इजाफा रिटेल में नजर आ रहा है। आजादपुर मंडी में प्याज 32 रुपए से 35 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहीं आलू 12 रुपए से 18 रुपए किलो के बीच पहुंच गया है। भिंडी 10 से 14 रुपए किलो के बीच बिक रही है, तो टमाटर के रेट में भी इजाफा हुआ है। टमाटर 10 से 17 रुपए किलो तक बिक रहा है। गोभी के दाम में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। गोभी 35 रुपए किलो से 46 रुपए किलो के बीच बिक रही है और इसी तरह मटर 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये तो था थोक बाजार का हाल, लेकिन अगर रिटेल की बात की जाए तो यहाँ असली महंगाई नजर आती है। बुराड़ी में लोकल सब्जी वालों के पास प्याज 50 से 55 रुपए के बीच बिक रहा है, वहीं आलू 20 रुपए किलो, भिंडी 20 से 25 रुपए किलो, तो टमाटर 20 से 30 रुपए के बीच बिक रहा है, वहीं गोभी 40 से 50 रुपए और मटर 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस तरह थोक और रिटेल के बीच इतने बड़े अंतर से भी महंगाई कहीं ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। महंगाई को लेकर केजरीवाल सरकार भी अब निशाने पर है। सोमवार को इसी पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का भी बयान सामने आया। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर के गोपाल राय ने साफ किया कि अभी सस्ते प्याज के लिए दिल्ली वालों को और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार ने बढ़ रही कीमतों के लिए कम प्रोडक्शन को वजह बताया। हालांकि सरकार सब्जी घर खोलकर और मदर डेयरी पर सस्ते दाम पर प्याज देने का दावा जरूर कर रही है। दिल्ली सरकार इसको लेकर के आत्मंथन कर रही है कि ऐसा प्याज सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इस पर नियंत्रण हो। कुछ आउटलेट हैं जो जैसे कि मदर डेयरी के हैं, वहां पर भी प्याज को बेचने का प्लान हम लोग करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर और भी सेंटर हम लोग खोलेंगे जिससे लोगों को कभी प्याज। वहीं दिल्ली में प्याज की कीमतों को लेकर के सियासत भी तेज हो चुकी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उन्होंने बाकायदा दिल्ली सरकार को सस्ती प्याज को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी सलाह को नकार दिया। हमारे पास 7,500 टन का करीब प्याज का स्टॉक है, एसएफएसी के पास है, नेफेड के पास है। मैंने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार को लिख दिया था, मुख्यमंत्री को, कि वो स्टॉक तुरंत लें और डिस्ट्रीब्यूट जो उनका नेटवर्क है लोकल उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराएं। जैसे ही वो उस प्याज को मांगते हैं हम देने के लिए तुरंत तैयार हैं। लेकिन उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है और दिल्ली में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, तो जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही दिल्ली सरकार की है। जब हम कह रहे हैं उनको प्याज लेना तो ले लेनी चाहिए थे, अब तक जवाबदेही निश्चित रूप से दिल्ली सरकार की है। प्याज के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। रेट पर ब्रेक कब लगेगा, ये सवाल भी अपना जवाब तलाश रहा है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्याज और सब्जियों की माला पहनकर जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्याज, टमाटर, गोभी की माला और सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए केजरीवाल के घर जाने की कोशिश की। पुलिस के रोकने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर टमाटर भी फेंके, जिसके बाद उन्हें बलपूर्वक वहां से हटाया गया। गले में प्याज टमाटर की माला पहने और फिर सब्जियों की टोकरी लिए ये कार्यकर्ता दिल्ली के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली में सब्जियों की महंगाई के खिलाफ मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। सब्जियों की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल सरकार की आंखें खोलने के लिए अपनी आवाज उठाई। आज ये प्याज की माला पहनना की वजह यह है कि जो केजरीवाल जी हैं उनको एक मैसेज देना कि आम आदमी के हाथ से प्याज चली गई, इतनी महंगाई हो रही है, दाले आम आदमी के हाथ से जा चुकी है, गोभी जो आम आदमी का नारा लेकर आए थे उस आम आदमी के नारे को और आम आदमी की बात को उन तक पहुंचाने के लिए हमने ये माला पहनाई। हाथों में टमाटर, प्याज और सब्जियों की टोकरी के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी जैसे ही केजरीवाल के घर की ओर बढ़ने लगे, उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की।
लेकिन प्रदर्शनकारी जबरन बैरिकेड लांघकर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए बाहर भगा दिया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर टमाटर भी फेंके। सब्जियों का रोना रो रहे दिल्ली वाले और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। अपना विरोध जताकर प्रदर्शनकारी केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं पहुंचा। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी अब प्याज बेचेगी। सोमवार से दिल्ली की 280 राशन दुकानों पर और मोबाइल वैन के जरिए दिल्ली सरकार ने सस्ती कीमत पर प्याज बेचने का फैसला किया है। सस्ता प्याज 40 रुपए किलो मिलेगा। पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री असीम अहमद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। महंगे प्याज से दिल्ली वालों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने स्टॉल लगाकर प्याज बेचने की योजना बनाई है, क्या कुछ हुआ है? हमारे साथ हैं दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान जी। असीम जी, क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, जैसा पिछले काफ़ी दिनों से हमारी नज़र थी दिल्ली मंडियों के ऊपर, और ये भी हमें पता चल रहा था कि पिछली बारिशों के अंदर प्याज की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसको देखते हुए हम लोग पिछले 3-4 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। और आज जब हमें लगता है कि वाकई दिल्ली के अंदर प्याज के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि हम लोग 40 रुपए के ऊपर मार्केट में प्याज बेचेंगे। तो कितने जगहों पर बेचेंगे और किस तरह से लोग खरीद सकते हैं इसको? ये हमारे दिल्ली में 272 म्यूनिसिपल वार्ड हैं, वहाँ पे जितनी भी हमारी एफपीओ शॉप हैं, सरकारी राशन की दुकान है, ये वहाँ सब जगह उपलब्ध रहेगी, और इसके साथ साथ हमारी मोबाइल वैन्स में भी उपलब्ध रहेगी। कितने मोबाइल वैन्स उतार रहे हैं? तकरीबन 35 से 40 वैन्स हम उतार रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, क्या आप लोगों ने भी मॉनिटर किया कि दिल्ली में प्याज की कीमत कहाँ तक पहुँची है, क्या वजह रही बढ़ने की? जी हाँ, हम लोग अब से नहीं, पिछले 4 महीने से अप्रैल से इस पर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि जब उस टाइम बारिश हुई है तो बारिश से हमें ये पता चला था मंडियों के द्वारा कि 20 से 22% फसल डैमेज हो गई है प्याज की। तो हमारा जब से इस पर नजर था, और हमने मई से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, और हमने इसलिए नासिक के अंदर प्रोक्योरमेंट अपनी शुरू कर दी थी। तो क्या इंतजार था कि प्याज की कीमतें हाई हो, तो फिर आप लोग राहत लेकर आ गए हैं? नहीं नहीं, हमें सिर्फ जैसी सूचनाएँ मिली थी, तो हमें अगर आज हमने अगर इसकी तैयारी नहीं करी होती, तो आप कहते हैं कि आपको सूचना मिलने के बाद भी आपने तैयारी नहीं करी। जब हमें ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि प्याज की फसल डैमेज हुई है, तो आज सरकार का कर्तव्य था कि अब उसकी तैयारी करना, तो हमने वो तैयारी पहले से करके रखी हुई। दाल और सरसों तेल का भी कमोबेश यही हाल है, हालांकि वो कई महीनों से अस्थिर हो गया है 100 के पार जा करके, क्या उसको लेकर भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो प्याज ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, अभी तो प्याज पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ तौर से सरकार ने यह तय किया है कि जो फेयर प्राइस शॉप राशन की दुकानें हैं, वहां पर प्याज बेची जाएगी, ताकि लोग 40 रुपए किलो के दर पर प्याज खरीद पाएंगे। जो सरकारी रेट जो है वो 40 रुपए का होगा, और सरकार ये भी कह रही है 40 रुपये अफोर्डेबल होगा आम लोगों के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।